आदि पुरुष को देखने के लिए सभी लोग एक्साइटेड थे, जिसके बाद आदि पुरुष रिलीज हो चुका। अब जो लोग सिनेमा में नहीं देख पाए हैं आदि पुरुष, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मूवी ओटीटी पर कब रिलीज करी जाएगी। तो हम आइए आपको इसी के बारे में बताते हैं। दरअसल आदि पुरुष इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अब इस मूवी के ओटीटी पर रिलीज होने के बारे में काफी कयास लगाए जा रहे हैं। ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी और मेकर संग कितने करोड़ रुपए की डील हुई है, चलिए आपको इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। आदि पुरुष अपने रिलीज के तकरीबन 50 दिन के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। खबर है कि मेकर्स ने इस फिल्म के ओटीटी रिलीज के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। खबरों के अनुसार प्रभास और कीर्ति सेनन स्टारर इस फिल्म के लिए ओटीटी पार्टनर को चुन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने इसके राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे हैं। इस फिल्म को 250 करोड़ रुपए के साथ शानदार बड़ी डील मिली है। वहीं अगर खबरों की माने तो फिल्म ने पहले ही अपने म्यूजिक सैटेलाइट और अन्य डिजिटल राइट्स को बेचकर 432 करोड़ रुपए की भारी कमाई कर ली है। बता दें कि आदि पुरुष को लेकर मेकर्स हर तरीके से प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। बीते दिनों घोषणा की गई थी कि इस फिल्म के लिए हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ी जाएगी। साथ ही कई सितारे भी इस फिल्म की टिकट खरीद कर उसे बांटने की भी बात कर चुके हैं। वहीं प्रभास और कीर्ति सेनन भी इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। आदि पुरुष में कीर्ति सेनन और प्रभास ने लीड रोल निभाया है। फिल्म में कीर्ति ने जानकी और प्रभास ने राम का किरदार निभाया है। फिल्म में सनी सिंह, देवदत्त नाग और सैफ अली खान भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं। संस्कृत एपिक रामायण से एडेप्टेड आदि पुरुष एक मैथोलॉजिकल फिल्म है, जिसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे 500 करोड़ के बजट में बनाया गया है। आदि पुरुष के ओटीटी पे रिलीज होने का आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।